स्वागत है आपका IBN9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रायसेन जिले के जाने माने बबलू मीणा माना ढाबा वालों को रायसेन जिला पंचायत के नवनिर्वाचित निर्विरोध अध्यक्ष बनाए जाने पर नगर सुल्तानपुर में प्रथम बार आगमन पर नगर सुल्तानपुर के सभी भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता किशोर रामानी, कमलेश राजपाल, कन्हैया लाल गौर, विनोद चौधरी, विनोद देवनानी, सुरेश श्रीवास्तव भाजपा कार्यकर्ता द्वारा बंटी चौधरी के होंडा शोरूम पर जोरदार स्वागत किया गया। बबलू मीणा जिला रायसेन के निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनकी साफ सुथरी छवि एवं कुशल व्यवहार को देखते हुए उनका चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष पर निर्विरोध हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष बबलू मीणा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मेरा प्रथम कार्य रहेगा कि एक अच्छी टीम के साथ जिला रायसेन का प्रतिनिधित्व करूं और जो भी सरकार की गरीबों के लिए सरकारी योजना है उन्हें उन तक समय से पहुंचाना तथा उनका लाभ दिलवाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। ये जानना चाह रहे हैं कि जिले का विकास आप किस तरीके से करेंगे? जो भी शासन की मूलभूत सुविधाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि जिला पंचायत जो है ग्रामीण क्षेत्र का एक मामला होता है, तो जो भी हमारी विकास की जो भी चीज़ें होती हैं सुचारू रूप से जनता तक पहुंच जाए। पूरी योजनाओं का लाभ आप किस तरीके से जनता को देंगे? हम जितनी भी शासन की जो भी योजनाएँ हैं, चाहे शौचालय हो, चाहे नाली हो, चाहे मकान हो, आवास वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब अगर बाधाओं के अधिक से अधिक मात्रा में गरीबों तक पहुँच जाए। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।